जब भी सरकार कोई भी बिल लाती है तो हम हर कोई उससे खुश नहीं होता। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं। ऐसा ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में भी हुआ, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी इतने दुखी हो गए इस बिल से कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया और उन्होंने कहा कि उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल गया है। जो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था, वो इस सरकार के खिलाफ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उस मूवमेंट के तहत मैं सरकार को समर्थन नहीं दूंगा और मैं सरकार की कोई भी चीज़ नहीं लूँगा, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। उन्होंने दो पेज का नोट भी दिया है, अपनी रिटायरमेंट लेते हुए। अब्दुर रहमान, जो कि स्पेशल आईजीआर के पद पर तैनात थे मुंबई में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। वो एक आईपीएस थे और उन्होंने बाकायदा वीआरएस लिया है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया कि भाई इस्तीफा दे दिया, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। उन्होंने वीआरएस लिया है, मतलब उन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे सरकार को मैं समर्थन नहीं दूंगा और सरकार से कुछ भी नहीं लूंगा, दूसरी तरफ अपनी नौकरी से वीआरएस लिया है, नौकरी नहीं छोड़ी, नौकरी से वीआरएस लिया है। वीआरएस लेने के तहत क्या होगा, उनको पेंशन मिलेगी जो पेंशन मिलनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर लोगों की ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब्दुल रहमान करना क्या चाहते थे। क्या वो सिविल डिसोबीडियंस अगर वो सरकार के खिलाफ चलाना ही चाहते थे तो सरकार की किसी चीज़ से मतलब ना रखते, उसका मतलब होता कि वो नौकरी ऐसे ही छोड़ देते और ना ही वीआरएस लेते, ना ही पेंशन लेते, ना ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला एक भी फ़ायदा लेते। लेकिन उन्होंने वीआरएस के लिए ऑप्ट किया, जो दिखा रहा है कि वो पूरी तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कूद नहीं पाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 2-3 साल में रिटायर होने वाले थे, वो अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं और सरकार के खिलाफ हमला बोलने का उनको बहाना मिल गया ऐसे ही, और इसको अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने का अच्छा तरीका है। इसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन भी फेमस हुए थे जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके केस में और अब्दुल रहमान के केस में जमीन आसमान का अंतर है। अब्दुल रहमान ने वीआरएस लिया है, कन्नन गोपीनाथन ने नौकरी छोड़ी थी। अब्दुल रहमान की रिटायरमेंट वाली एज आने वाली थी, कन्नन गोपीनाथन एक यंग आईएएस ऑफिसर थे। तो लोग कह रहे हैं अगर आपको सिविल डिसोबीडियंस चलाना ही था तो कन्नन गोपीनाथन से कुछ सीखते, उनकी तरह चलाते। खैर इन आईपीएस साहब की मर्जी, वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया है। हम तो यही चाहते हैं भैया ऐसा कि बिल से कुछ लोग खुशी होंगे, कुछ दुखी होंगे, इसका मतलब ये नहीं आप अपने देश के ही खिलाफ हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता।